Subscribe to Himanshu Arya Tutorial and click on the bell icon to never miss an update. इस वीडियो में हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जो डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं उसे डिस्कस करने जा रहे हैं. क्लियर है ना? देखो, हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था पिट्यूटरी ग्लैंड के तीन रीजंस थे. क्लियर है ना? एंटीरियर लोब, मिडिल लोब एंड पोस्टीरियर लोब. आज सबसे पहले शुरू करेंगे हॉर्मोन्स जो कि कहाँ से रिलीज होते हैं, तो एंटीरियर लोब से. उसके बाद देखेंगे हम मिडिल लोब से निकलने वाले हॉर्मोन्स. देन वी विल सी द हॉर्मोन्स विच इज सिग्रेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब. तो इन तीनों को एक एक करके देखेंगे हम लोग. तो सबसे पहला हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा? सबसे पहला जो हेडिंग हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा हॉर्मोन्स फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. कहाँ से निकलने वाले हॉर्मोन्स देख रहे हैं? तो वैसे हॉर्मोन्स जो एंटीरियर लोब से निकलते हैं. एंटीरियर लोब मीन्स सबसे फ्रंट, आगे वाला, यानी जो सबसे आगे होगा. क्लियर है ना? तो इससे निकलने वाले ढेर सारे हॉर्मोन से सबसे ज्यादा, इनफैक्ट इसी से हॉर्मोन रिलीज होता है. इसमें जो सबसे पहला हॉर्मोन हमें पढ़ना है ना, वो है हमारा, देखो हम क्या देखने जा रहे हैं, तो हॉर्मोन्स देख रहे हैं जो कि एंटीरियर लोब से निकल रहा है, याद रखना. क्लियर है ना? हम एंटीरियर लोब वाले हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं, और इसमें सबसे पहला जो हॉर्मोन है ना हमारा, वो है ग्रोथ हॉर्मोन. तो सबसे पहला हॉर्मोन जो एंटीरियर लोब से रिलीज हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है, उसका नाम क्या है? तो ग्रोथ हॉर्मोन. एज द नेम सजेस्ट, ग्रोथ हॉर्मोन ये हमारे बॉडी में ग्रोथ को रेगुलेट करेगा. आ रहा समझ में? ग्रोथ तो समझते हो ना, बॉडी का नॉर्मल ग्रोथ. तो ये इस ग्रोथ को रेगुलेट करेगा कौन? तो ग्रोथ हार्मोन. देखो, अब तुम थोड़ा देर के लिए सोच रहे होगे, सर ये तो गलत बात है भाई. गलत बात कैसे? ग्रोथ तो होता है हमारे खाने पीने से, ठीक है ना? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप. खाओ पियोगे नहीं तो ग्रोथ कैसे होगा? एक बच्चे की भी बात करो तो देखते हो, बच्चे का, जब बच्चे में तो ग्रोथ सबसे ज्यादा होता है ना, तो बच्चे के डाइट का देखते हो कितना स्पेशल केयर किया जाता है. फिर हम लोग जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो उतना ध्यान नहीं दिया जाता है कि आज खाने में क्या है, जो है खा लो शांति से, है ना? लेकिन वो नहीं, अब बच्चे का क्या है कि बिल्कुल ही उसके एक बैलेंस डाइट मिलना चाहिए उसे, ठीक है ना? तो बच्चे के डाइट का एक प्रॉपर ख्याल रखा जाता है, क्योंकि उस समय ना बहुत, मतलब एक सही तरीके से ग्रोथ होता है. इनफैक्ट आपने 8th क्लास में ना पढ़ा होगा एडोलेसेंस. तो एडोलेसेंस में याद करो, खाने पीने का जिक्र किया गया होगा कि एडोलेसेंट के टाइम हमारे बॉडी का ग्रोथ ना मतलब फास्ट हो जाता है. तो उस समय जो डाइट होना चाहिए, बैलेंस डाइट मिलना चाहिए हमें, ताकि हमारा ग्रोथ क्या हो, सही तरीके से हो. तो वैसे ही यहाँ पे समझो, बिल्कुल सही बात है. लेकिन द क्वेश्चन इज, यहाँ पे पॉइंट क्या समझना है? यहाँ पे पॉइंट ये है कि तुम भले ही खा रहे हो बैलेंस डाइट, लेकिन अगर तुम्हारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की कमी है ना, तो फिर जो खा रहे हो ना उसका कोई फायदा नहीं है. याद रखना इस बात को, ठीक है? जो भी खा रहा है उसका कोई फायदा भी नहीं है. या दूसरे तरीके से इसको ऐसे समझो कि जैसे देखो, तुम एक नॉर्मल सा समझते हो ना कि किसी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, चलो लंबाई नहीं बढ़ रहा है, तो वो डॉक्टर के पास चला जाता है और डॉक्टर ना उसे दवाई भी दे देता है लंबाई बढ़ाने वाला. वो बहुत सारे टॉनिक आते हैं ना, हाई ग्रो करके, हाइट ग्रो करने वाला और भी वगैरह वगैरह, तो वो सब डॉक्टर दे देते हैं. जबकि तुम्हें पता होगा कि किसी भी इंसान का जो हाइट है, किसी भी इंसान की का जो हाइट है वो कंट्रोल कौन करता है? तो जीन कंट्रोल करता है भाई, जीन, समझ रहे हो ना? अब डॉक्टर क्या उसके जीन को चेंज कर देगा क्या दवाई देके? नहीं ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना यहाँ पे. तो फिर क्या कर रहा है डॉक्टर? यहाँ पे लूट ही रहा है ना, ठग ही रहा है ना. लेकिन ऐसा भी नहीं है, वो क्या कर रहा है कि जैसे देखो, हॉर्मोन्स बेसिकली क्या होते हैं ना, इसे आपको थोड़ा सा ना डीपली समझना होगा, ठीक है? कोशिश करना समझने की, वैसे यहाँ पे जरूरत भी नहीं है, फिर भी कोशिश करो आप. देखो होता क्या है ना कि हॉर्मोन्स बेसिकली प्रोटीन या स्टेरॉइडल नेचर के होते हैं, बेसिकली तो प्रोटीन ही होता है, ठीक है? अब आप समझो यहाँ पे कि हॉर्मोन का जो फॉर्मेशन हुआ वो कैसे हो रहा है. तो सीधा सा समझो, डीएनए जो होता है ना, डीएनए में समझो एक कोड होता है, वो कोड किसी प्रोटीन के लिए होता है, वो एक प्रोटीन को कोड करता है, वो एक प्रोटीन बनाता है, फिर उससे फाइनली जाके हॉर्मोन्स बनते हैं. यानी ये एक प्रोसेस है, ठीक है ना? दिस इज जस्ट लाइक कि कोई डिश बनाया जा रहा है, तो उसका एक प्रोसेस है जो डीएनए में लिखा हुआ है. अब उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए उसके इंग्रेडिएंट्स भी तो चाहिए ना उस डिश को बनाने के लिए. तो ऐसा ही चीज है. अब देखो, बॉडी में सब कुछ है, लेकिन किसी तरीके से ना वो हो नहीं पा रहा है. तो वो जो दवाई वगैरह देते हैं ना डॉक्टर, तो बस उसी को स्टिमुलेट करने के लिए, कि अगर ग्लैंड में कोई
मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स भी हैं, स्टेप भी पता है कैसे बनेगा, लेकिन किसी तरह से वो हो नहीं पा रहा है, तो उसे स्टिमुलेट किया जाता है ताकि ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन शुरू हो। क्लियर है ना? क्योंकि भाई तुम्हारे पास इंग्रेडिएंट्स भी है, तुम्हें प्रोसेस भी पता है, तो फिर बनाओ ना, बैठे क्यों हो? बस ये किया जाता है। तो थोड़े बहुत हाइट में कभी कभी इंक्रीज देखा भी जाता है, कभी कभी नहीं भी देखा जाता है। और तो इसके लिए हम डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि उसने बोला था हाइट बढ़ेगा मेरा, बढ़ा नहीं। भाई तुम्हारे जिन ने ही उतना फिक्स किया था मैक्सिमम, तो इससे ज्यादा कहाँ जाओगे, है ना? तो एक चीज ये होता है, तो शायद आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे समझोगे कि ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, तो हमारे बॉडी में ग्रोथ को रेगुलेट करेगा। तो सिंपल सा बस पॉइंट लिख लेना इस पे, इट प्रमोट एंड रेगुलेट्स द ग्रोथ इन आवर बॉडी। ये क्या करेगा, तो ग्रोथ को प्रमोट करेगा, बढ़ावा देगा और रेगुलेट करेगा, कंट्रोल भी करेगा। क्लियर है ना? अब देखो यहीं पे समझना कि देखो मैंने एक पॉइंट बोला था पिछले क्लास में कि हॉर्मोन्स का एक बैलेंस में रिलीज होना बहुत जरूरी है। अगर हॉर्मोन बढ़ गया तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। अगर हॉर्मोन घट गया तो क्या होगा, तो सर तो भी प्रॉब्लम होगा। क्लियर है ना? तो यहाँ दोनों ही कंडीशन में प्रॉब्लम होने वाले हैं, तो हमें क्या करना है, उसको बैलेंस्ड करके रखना है। आराम समझ में? तो यहाँ पे समझोगे, यहाँ पे कुछ कंडीशन देख रहे हैं, जैसे अगर बच्चों में ग्रोथ हार्मोन घट गया, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ कंडीशंस देखेंगे। देखो मैं जनरली ना जब भी हार्मोन्स पढ़ा रहा हूँ अभी, तो दो वर्ड जनरली यूज करूंगा जिसका कि आप मतलब समझ लो। एक वर्ड यूज करूंगा हाइपोसिक्रीशन, क्या यूज करूंगा, हाइपो, और दूसरा वर्ड यूज करूंगा हाइपर सिक्रीशन। एक क्या यूज करूंगा, हाइपोसिक्रीशन, और दूसरा क्या यूज करूंगा, तो हाइपर सिक्रीशन। अब इसका मतलब यहीं पे समझ लो, जहां भी मैं बोलूं हाइपोसिक्रीशन हो रहा है, दैट मीन्स सिक्रीशन क्या हो गया है, तो कम गया है, यानी नॉर्मल जितना होना चाहिए ना उससे क्या हो गया है, कम गया है। और अगर मैं हाइपर सिक्रीशन की बात करूँ तो आप समझोगे क्या हो गया है, तो बढ़ गया है। सिक्रीशन क्या हो गया है, तो नॉर्मल से बढ़ गया है। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट जरूर याद रखना। अगर आपको याद रखने में दिक्कत हो रहा है, तो देखो हाइपर वर्ड समझते हो ना, ऐसे नॉर्मल यूज करते हैं, जैसे मान लो कोई बहुत ज्यादा गुस्सा होता है तो बोलते हैं ना ज्यादा हाइपर हो रहा है। क्लियर है ना? तो समझ रहे हो ना, हाइपर। क्लियर है ना? गुस्से में आ रहा है, ये गुस्से में आ रहा है तो ढेर सारा हार्मोन निकालेगा ये, और ये क्या है, शांत है, कम निकालेगा। क्लियर है ना? लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ना तो हाइपो चाहिए ना ही हाइपर चाहिए, हमें तो बीच वाला चाहिए, बैलेंस वाला चाहिए। क्लियर है ना? क्योंकि हाइपो में भी प्रॉब्लम होगा और हाइपर में भी प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे समझना, या देखो इसी को मैं अंडर सिक्रीशन भी बोल सकता हूँ, इस हाइपो वर्ड को मैं दूसरा क्या बोल सकता हूँ, अंडर सिक्रीशन बोल सकता हूँ, और इसे क्या बोल सकता हूँ, ओवर सिक्रीशन। क्लियर है ना? अंडर सिक्रीशन या हाइपो सिक्रीशन, ओवर सिक्रीशन या हाइपर सिक्रीशन, इसे कहीं कॉपी के छत पे, है ना, खोपचे में कहीं लिख लोगे। इसे मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। चलो देखना, यहाँ पे सबसे पहले हम बच्चे की बात करेंगे, ठीक है ना? तो लिखना इसमें एक पॉइंट बना के लिखना, ऐसे लिख लो, इट्स अंडर सिक्रीशन इन चिल्ड्रेन्स कॉजेस ड्वार्फिज्म। क्लियर है ना? क्या कॉज करेगा, तो ड्वार्फिज्म कॉज करेगा। और यहीं पे लिखना, एंड ओवर सिक्रीशन बच्चे में ही, चलो लिखी देता हूं, इन चिल्ड्रेन्स कॉजेज, तो क्या करेगा, तो यहाँ गिगेंटिज्म। ये दो वर्ड याद रखना है आपको, ठीक है ना? द फर्स्ट वन इज ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म समझते हो ना, बौना हो जाना, गिगेंटिज्म कुछ ज्यादा ही हो जाना, है ना, जैसे खली है, नहीं कुछ ज्यादा ही लंबा है। तो बस एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था, तो गिगेंटिज्म और ड्वार्फिज्म, अगर कम सिक्रीशन हो रहा है तो फिर ड्वार्फिज्म, ज्यादा हो रहा है तो फिर गिगेंटिज्म। क्लियर है ना? और ये कम ज्यादा होगा क्यों भाई, तो ये ड्यू टू सम एबनॉर्मिटीज इन द तुम्हारा क्या
पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि इस ग्रोथ हार्मोन को निकालने के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल है, उस सेल में कुछ एबनॉर्मिटीज आ जाएंगे, उस वजह से होगा, ठीक है ना। चलो आगे देखें, ये तो बच्चे का केस हो गया, दूसरा केस देखते हैं हम एडल्ट का, क्लियर है ना। तो देखो सबसे पहला पॉइंट याद रखना, एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन की कमी हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, तो समझो, देखो ग्रोथ तो नॉर्मली टीनेजर्स तक ही होते हैं ना, और एडल्ट किसे बोलते हैं, जो टीनेजर को क्रॉस कर जाता है, ठीक है ना। जैसे आप सभी क्या हो अभी, तो आप सभी टीनेजर्स में हो, आप अगर 9th-10th में पढ़ रहे हो, आपका एज क्या होगा, 13, 14, 15, 16 ऐसे ही करके ना, तो जिसके लास्ट में टीन लगा होता है, तो टीनेजर्स, ये सब चीज आपको पता होगा, है ना, ये सारी बातें आपको पता होगा। तो ऐसे ही समझना, तो आप टीनेजर्स में हो, लेकिन अगर मेरी बात करो तो मैं तो एडल्ट हूँ ना। तो देखो यहीं पे समझना कि एक एडल्ट में तो ग्रोथ नॉर्मली हो चुका है भाई, अब ग्रोथ नहीं होगा ज्यादा, अब मेरा हाइट नहीं बढ़ने वाला है, क्लियर है ना, आ रहा समझ में। तो नॉर्मली ग्रोथ तो अभी तुम मतलब टीनेजर्स में ही होंगे ना बेसिकली, एडल्ट में तो होगा नहीं। तो एडल्ट में ऑलरेडी ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन तो कम ही गया है, वो तो नेचुरल है, तो अगर सिक्रीशन कम रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सिक्रीशन बढ़ गया किसी वजह से, अगर एक एडल्ट में अचानक से सिक्रीशन बढ़ गया है किसका, तो ग्रोथ हार्मोन का, तो फिर वहां पे ना जैसे फेस वाले रीजंस, हाथ वाले, ये पाम वाले रीजंस, क्लियर है ना, इन सभी में क्या होगा ना, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा, अनवांटेड ग्रोथ इसे आप बोल सकते हो, ठीक है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्रोमिगैली, क्लियर है ना। तो इसे आप लिख लोगे यहीं पे, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स कॉजेज। देखो एडल्ट में अगर हुआ है ओवर सिक्रीशन, अंडर सिक्रीशन की बात नहीं करेंगे एडल्ट में, क्लियर है ना। ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स कॉजेज ओवर ग्रोथ ऑफ बोन्स ऑफ फेस, हैंड, लेग्स। बेसिकली इन तीनों रीजन के जो बोन्स होंगे ना, उनका ग्रोथ कुछ ज्यादा करवा देगा, क्लियर है ना। तो ये बिल्कुल ही देखने में ना बेढब सा लगेगा, एंड दिस कंडीशन, इसी में लिख लेना, आगे लिख लेना इसी में, दिस कंडीशन is known as acromegaly। आपका आपको एक काम है, आप क्या करोगे, इस acromegaly वर्ड को ना गूगल पे सर्च करोगे, ठीक है, और वहां पे सर्च करके इमेज पे क्लिक करोगे आप, और इमेज देखोगे acromegaly पर्सन का कैसा होता है, आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है ना। तो ये पॉइंट यहाँ पे, यानी पहला हार्मोन जो था हमारा एंटीरियर लोब से ये खत्म हुआ। दूसरा हार्मोन देखोगे यहीं पे, दूसरा हार्मोन, ये पहला हार्मोन था हमारा कहां से, एंटेरियर लोब से। दूसरा हार्मोन देखोगे यहीं पे, द सेकेंड हार्मोन, चलो पूरा नाम लिखता हूं मैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द एब्रिविएशन इज TSH, क्लियर है ना। ये क्या कर रहा है, तो थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है। अब थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है तो बाकी का काम तो थायराइड करेगा ना, और थायराइड ग्लैंड है ना पढ़ना हमें इसके बाद, क्लियर है ना। इसके बाद शायद पीनियल है, उसके बाद थायराइड है, कोई नहीं, थायराइड हमारे लिस्ट में तो है ना, तो बाकी का काम तो हम थायराइड ग्लैंड में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस इतना याद रखना कि TSH क्या करेगा, एक मिनट, TSH क्या करेगा, तो ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा उससे कोई दूसरे हार्मोन को निकलवाने के लिए। वैसे भी देख लो, मास्टर ग्लैंड है ना पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जा रहा है किसी दूसरे के पास और वहां जाके उसको स्टिमुलेट कर रहा है, तो यहाँ पे समझ रहे हो ना। अब बाकी का पढ़ेंगे हम थायराइड ग्लैंड में, यहाँ पे बस एक लाइन लिखेंगे और यहीं पे इसको खत्म करेंगे, यहाँ पे हम इसको पढ़ना शुरू नहीं करेंगे। यहाँ पे बस बेसिकली लिख लेना, इट कंट्रोल्स, ऐसे लिख लो, इट कंट्रोल्स it controls the secretion of thyroid
ग्लैंड, ये किसके सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा है, तो थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा है। अल्टीमेटली थायराइड ग्लैंड से क्या निकलेगा, तो थायराइड ग्लैंड से बेसिकली दो हार्मोन निकलते हैं, आपको याद रखना है थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। तो चाहो तो यहीं पर लिख सकते हो, या रहने दो आप उसे, मैं थायराइड ग्लैंड में पढ़ा ही दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस इतना ही, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा है, तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है। चलो इसे मैं इरेज कर दूं, अभी हम एंटीरियर लोब में ही है, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड हम पढ़ेंगे बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पे ना थायराइड ग्लैंड में देखेंगे थायराइड हार्मोन्स अगर की कमी हो गई तो कौन से बीमारी हो रहे हैं, बढ़ गई तो कौन से बीमारी हो रहे हैं, उन सभी चीजों को देखेंगे। और वहां से ना क्वेश्चंस भी बनते हैं बोर्ड के लिए, तो बिल्कुल थोड़ा सा बस वेट कर लो। आगे हमारा कौन सा हार्मोन आएगा, तीसरा हार्मोन आएगा ना, तीसरा हार्मोन देखना। द थर्ड हार्मोन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द एब्रिविएशन इज FSH। देखो शॉर्ट फॉर्म भी जरूर याद रखोगे, अक्सर क्वेश्चन ना शॉर्ट फॉर्म से पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखो नाम से समझना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है। फॉलिकल होते क्या है भाई, तो फॉलिकल आपको बेसिकली पता होगा ना, अगर पता होगा तो, कि फीमेल में जो ओवरीज होते हैं ना उसमें नंबर ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसी को स्टिमुलेट कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ इसका और भी फंक्शन मेल में भी होता है, आप याद रखोगे कि मेल में भी FSH का फंक्शन होता है, मेल में या स्पर्म के फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है, मतलब उसमें हेल्प करता है, ठीक है ना। इट हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल, और साथ ही साथ मैचुरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, क्लियर है ना। ग्रेफियन फॉलिकल उसी को बोल रहे हैं जिसके अंदर एग्स प्रेजेंट होते हैं, फीमेल एग्स, जिसे ओवम बोलते हो, क्लियर है ना। तो उसका मैचुरेशन और साथ ही साथ उस ग्रेफियन फॉलिकल से कुछ हॉर्मोन्स भी रिलीज होते हैं, उसको भी मतलब सिक्रीट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो लिख लोगे यहाँ पे, इट स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन मेल्स। गैमेट मतलब क्या, स्पर्म ना, गैमेट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, स्पर्म, क्लियर है। मेल में कर रहा है, आगे लिखोगे इन फीमेल्स इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, क्लियर है ना। और साथ ही साथ एंड ऑल्सो रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम द फॉलिकल, क्लियर है। उस फॉलिकल से एस्ट्रोजन के भी रिलीज करने में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ ग्रेफिन फॉलिकल को क्या, ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट बना के लिख लो आप, ठीक है। तो मेल में क्या कर रहा है, गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस यानी गैमेट का फॉर्मेशन यानी स्पर्म का फॉर्मेशन, और अगर फीमेल में बात करें तो ओवेरियन फॉलिकल का ग्रोथ करवा रहा है, और साथ ही साथ उस ओवेरियन फॉलिकल से यानी उस फॉलिकल से एस्ट्रोजन के रिलीज भी कर रहा है। इसे ना मैं डिटेल में बताऊंगा ओवरीज में, ओवरीज जो कि शायद सबसे लास्ट में पढ़ना है यहाँ इस टॉपिक में, है ना। तो थोड़ा सा वेट कर लो, मैं वहां पर जरूर बता दूंगा, ठीक है ना। तो आगे देखना, फिलहाल इतना समझ गए होगे आप। इसके बाद जो हमारा चौथा हार्मोन है एंटीरियर लोब का है, क्लियर है ना। चौथा हार्मोन कहां से, तो एंटीरियर लोब से। तो जो नेक्स्ट हार्मोन है वो हमारा है LH, क्लियर है ना। LH स्टैंड फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्लियर है ना। चलो इसे बाद में लिख लो, ब्रैकेट ही करके लिख लो, ऐसे ही लिखते आ रहे हैं ना हम लोग, चलो कोई नहीं। तो ये हमारा चौथा हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसे समझोगे करता क्या है, इसका अलग अलग फंक्शन है। देखो फीमेल में क्या करेगा ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फंक्शन ये है कि जो तुम्हारे ये क्या बोल रहे हैं, जो ओवम होते हैं, क्लियर है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने पढ़ा होगा शायद 8 में, क्लियर है ना। अगर पढ़ा होगा तभी समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़ा होगा आपने तो फिर मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा, लेकिन ओवरी में पढ़ा दूंगा, ठीक है ना।
तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसमें एग रिलीज होता है ओवरी से, क्लियर है ना। ओवरी से हर महीने एक एग रिलीज होता है, कभी राइट ओवरी से तो कभी लेफ्ट ओवरी से, और ये साइकिल रिपीट होता है हर मंथ, क्लियर है ना। हर 28 डेज पर ये साइकिल रिपीट होता है, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं या मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, क्लियर है ना। तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, इन द मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी अगर 28 डेज का है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो 14वें दिन एग्जैक्टली 14th डे, क्लियर है ना। वैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है, लेकिन बाद में। तो 14th डे क्या होता है ना, वो ओवम ना रिलीज होता है उस ओवरी से। देखो चल क्या रहा है ना, एक्चुअली थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। ये देखो ऐसे ग्रेफियन फॉलिकल है मान लो, और इस ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर ना तुम्हारा ये ओवम है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ग्रेफियन फॉलिकल का ग्रोथ हो रहा है, देखो कौन कर रहा है भाई, तो देखो अभी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये ग्रेफियन फॉलिकल का देखो ग्रोथ हो रहा है ना, देख रहे हो ग्रोथ हो रहा है ना, आ रहा है समझ में। ये देखो ग्रोथ हो गया, हुआ कि नहीं। तो और साथ ही साथ अंदर में एक का मैचुरेशन हो रहा है, ये ग्रेफियन फॉलिकल रिलीज कर रहा है एस्ट्रोजन, देखो यहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल रिलीज एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन की मदद से एक का मैचुरेशन चल रहा है, और साथ ही साथ बॉडी में ना जो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं ना फीमेल में, जैसे कि ब्रिस्ट का ग्रोथ होना, जैसे कि ये हिप बोन का बाइडनिंग होना, और भी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उन सबको भी कॉज करता है वो। तो यहाँ पे समझोगे ये ओवम मैच्योर हो गया, अब फाइनली क्या होगा, इस ओवम को रिलीज होना है इस ग्रेफियन फॉलिकल से। तो जब रिलीज होने वाला होता है, 14th डे नॉर्मली रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो उस समय एलएच का अमाउंट अचानक से बढ़ता है बॉडी में, एलएच का अमाउंट अचानक से बढ़ता है, जिसकी वजह से बॉडी बॉडी का ना बेसल टेम्परेचर वगैरह भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो जैसे ही ये बढ़ता है ना, तो ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होता है और इससे एग रिलीज हो जाता है। इससे एग देखो कहाँ हो गया, ये देखो बाहर आ गया, और ये कहाँ आ गया, तो फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, क्लियर है ना। अब देखो यहीं पे समझना, अब ये जो बचा ना, ये जो स्ट्रक्चर बचा, ध्यान से सुनना आगे काम देगा आपको, ये जो स्ट्रक्चर बचा दिस इज ग्रेफियन फॉलिकल ना, लेकिन कैसा ग्रेफियन फॉलिकल है, तो एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल है, इसमें से एक तो रिलीज हो चुका है। नाउ दिस इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम, नाउ दिस इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। अब इसे क्या बोलेंगे हम, तो इसे बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, क्लियर है ना। अब देखो ये एक जैसा नहीं लग रहा, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन ल्यूटियम लग रहा है ना, बिल्कुल लग रहा होगा। सो नाउ दिस इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम ना एक अलग हॉर्मोन निकालता है जिसका नाम है प्रोजेस्ट्रॉन। कॉर्पस ल्यूटियम क्या निकालता है, तो प्रोजेस्ट्रॉन निकालता है। देखो जब तक ये ग्रेफियन फॉलिकल था तब तक निकाल रहा था एस्ट्रोजन, लेकिन जैसे ही ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, ये क्या निकालेगा, तो ये निकालेगा प्रोजेस्ट्रॉन, क्लियर है ना, ये प्रोजेस्ट्रॉन निकालेगा, और प्रोजेस्ट्रॉन ही प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी हॉर्मोन। तो बाद में पढ़ लेंगे ना इसे, हम ओवरी में पढ़ा देंगे इसे, लेकिन यहाँ पे ये बेसिकली समझना जरूरी था। एलएच ने किया क्या, तो एलएच ने इस ग्रेफियन फॉलिकल से मैच्योर ओवम को रिलीज करने में हेल्प किया, एंड दैट रिलीजिंग ऑफ मैच्योर ओवम फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल इज नोन एज ओव्यूलेशन। तो एलएच ने बेसिकली करवाया क्या, तो एलएच ने बेसिकली ओव्यूलेशन करवाया। तो लिख लोगे अब यहाँ पे क्या लिख लोगे, सिंपल सा, इट कॉजेस ओव्यूलेशन, दैट इज रिलीजिंग ऑफ मैच्योर ओवम फ्रॉम ओवरी। ये ओवरी में ही तो प्रेजेंट होते हैं ना ग्रेफियन फॉलिकल, क्लियर है ना। तो इसने ओव्यूलेशन करवाया, इतना याद रहेगा आपको। ये जो एलएच अचानक से बढ़ता है ना बॉडी में, इसको बोलते हैं एलएच सर्ज। आप चाहो तो याद रख सकते हो उसे, वैसे ये सब आगे की क्लास में पढ़ने को मिलेगा। चलो आगे देखना, यहां तक तो हो गया, अब देखते हैं। देखो यहीं पे आप समझ लेना, जैसे ही एलएच सर्ज होगा ओवम रिलीज होगा, नाउ दिस ग्रेफियन फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, एंड कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट टू प्रोड्यूस प्रोजेस्ट्रॉन। तो एक तरह से इसने प्रोजेस्ट्रॉन के रिलीज में भी तो हेल्प किया ना, आ रहा है समझ में। चलो आगे देखना, मेल में भी इसका फंक्शन है, मेल में इस हॉर्मोन का नाम ही अलग है। तो दूसरा पॉइंट इसी में लिख लोगे, इसी में दूसरा पॉइंट लिख लोगे, इसे ना इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना। इन मेल्स
इट इज नोन एज ICSH. ICSH LH का ही दूसरा नाम है. ICSH LH का ही दूसरा नाम है, लेकिन कहां तो मेल में. क्लियर है ना. इसका देख लो, फुल फॉर्म देख लो. ICSH स्टैंड्स फॉर इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अब देखो यहीं पे समझना, यहाँ एक वर्ड आ गया है इंटरस्टीशियल सेल. क्लियर है ना. अब ये इंटरस्टीशियल सेल होते क्या है तो ध्यान से सुनना. इंटरस्टीशियल सेल का एक और नाम है, इंटरस्टीशियल सेल को हम लीडिंग सेल भी बोलते हैं. इंटरस्टीशियल सेल को ही हम बोलते हैं लीडिंग सेल. अब ये पाए कहाँ जाते हैं तो जो मेल का जो टेस्टिस होता है ना, जहां पे स्पर्म बनते हैं, उस टेस्टिस में ही पाए जाते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल, जिसे हम बोलते हैं इंटरस्टीशियल या लीडिंग सेल. ये लीडिंग सेल या इंटरस्टीशियल सेल करता क्या है भाई, तो ये लीडिंग सेल या इंटरस्टीशियल सेल तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है, उसे रिलीज करने में हेल्प करता है, यानी यहीं से रिलीज होता है. क्लियर हो रहा है, आराम समझ में. ये क्या करेगा तो कि टेस्टोस्टेरोन के रिलीज करने में हेल्प करेगा. तो इसमें एक पॉइंट लिख लोगे, स्पेस बच रहा है, चलो यहां पे लिख दूं मैं, इट स्टिमुलेट लीडिंग सेल ऑफ टेस्टिस टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन. दिख रहा है ना आपको, इट स्टिमुलेट लीडिंग सेल ऑफ टेस्टिस टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन. लीडिंग सेल को ही इंटरस्टीशियल सेल बोल रहे हैं, ठीक है ना. इस पॉइंट को लिख लेना, आ रहा समझ में. तो यहां तक हमारा ये चार हार्मोन क्लियर हुए हैं, जो कहां से निकल रहा है, एंटीरियर लोब से. अभी तक हम एंटीरियर लोब में ही है. चलो इसे भी मैं इरेज कर रहा हूं, आप लिख लोगे. अब देखना इसी एंटीरियर लोब में देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हार्मोन नंबर क्या हो जाएगा, फिफ्थ ना, नंबर हो जाएगा फिफ्थ. द नेम इज एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन. क्लियर है ना. एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉफिक, ट्रॉफिक होता है शायद, एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन. अब देखो नाम से ही समझोगे यहां पे, हाँ देखना यहां पे. अच्छा इसे इसका एब्रिविएशन लिख देते हैं ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन. क्लियर है ना. अब देखो समझना, नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है. इधर एड्रिनोकॉर्टिको, दिस स्टैंड्स फॉर एड्रिनल ग्लैंड, दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड. ये यहीं से समझ जाना चाहिए आपको कि ये क्या करेगा, तो आगे जाके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और फिर एड्रिनल ग्लैंड कुछ कुछ करेगा. अब एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगा वो तो एड्रिनल ग्लैंड में पढ़ेंगे ना, यहाँ पे क्यों पढ़े हम. तो एड्रिनल ग्लैंड ऑलरेडी हमारे लिस्ट में है, देख लेना आप लिस्ट को, उसमें एड्रिनल ग्लैंड छठे सातवें नंबर पे होगा कहीं ना कहीं, तो उसे वहां पे डिस्कस कर दे कर दूंगा मैं, ठीक है ना. तो यहाँ पे समझ लेना सिंपल सा, इट स्टिमुलेट्स द एड्रिनल ग्लैंड. क्लियर है ना, टू रिलीज इट्स हार्मोन. That is basically adrenal gland से जो हार्मोन निकलते हैं ना, वो बेसिकली तुम्हारा है एड्रेनलिन. और एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो आपने पढ़ रखा होगा कि जैसे देखो केमिकल कोऑर्डिनेशन तो बेसिकली स्लो होता है, लेकिन एड्रेनलिन के बारे में आप याद करो, इसका जो एक्शन है वो क्या होता है, फास्ट होता है. और ये करता कब काम है, तो ये ड्यूरिंग इमरजेंसी काम करता है, यानी हमारे बॉडी को ना स्ट्रेस में इमरजेंसी में मेंटेन करने का काम करता है. क्लियर हो रहा है ना. तो सीधा सा पॉइंट लिख लेना, इट स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस एड्रेनलिन. और ये क्या कर रहा है, तो विच इज ए स्ट्रेस हार्मोन, ये स्ट्रेस में काम करेगा. तो यहां तक तुम्हारा एंटेरियर लोब खत्म हुआ. एंटेरियर लोब से इतने पांच हार्मोन्स हमें पढ़ने थे, ठीक है, तो इसे हमने यहाँ पे खत्म किया.
अरनसन में देखो कहीं कहीं मैंने फंक्शन छोड़ दिया, क्योंकि फंक्शन तो रिलेटेड है एड्रेनल ग्लैंड से, तो एड्रेनल ग्लैंड में पढ़ेंगे। पीछे जैसे टीएसएच पढ़े थे, तो टीएसएच में बस एक लाइन हमने पढ़ा कि ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। अब थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो उसके बाद क्या होगा वो तो थायराइड ग्लैंड में देखेंगे, वो यहाँ क्यों देखें हम अरनसन में। तो ये हो गया हमारा एंटेरियर लोब यहाँ पे खत्म। अब देखो कौन सा देखेंगे, तो अब देखेंगे हम मिडिल लोब, कौन सा लोब देखेंगे। तो इस देखो एंटेरियर को मैं यहाँ से इरेज करके और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, हॉर्मोन्स फ्रॉम मिडिल लोब, क्लियर है ना। अब मिडिल लोब से बस एक ही हॉर्मोन निकलता है, वो आपको याद रखना है, एंड दैट इज एमएसएच, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, क्लियर है ना, समझ लोगे इसे। चलो तो यहां से बस एक ही हॉर्मोन निकल रहा है, नाम लिख देते हैं नंबर वन, इस पे एक ही है, ठीक है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, क्लियर है ना, नाम से समझो, क्लियर है ना, मिलेनोसाइट। ये अगर आप थोड़ा सा गौर से अगर देख पा रहे होगे ना, तो इसमें आपको कोई ना कोई सेल दिख रहा होगा, साइट स्टैंड्स फॉर सेल, नहीं, मिलेनोसाइट कोई ना कोई सेल होगा भाई हमारे बॉडी का, जैसे एडिपोसाइट होता है, क्लियर है ना, जिसमें कि तुम्हारे फैट स्टोर करने वाले सेल्स होते हैं, एडिपोज टिश्यू, क्लियर है ना, जिसमें एडिपोसाइट्स होते हैं, ठीक है, ऑस्टियोसाइट होते हैं, बोन सेल्स, क्लियर है ना। तो ऐसे ही साइट वर्ड जहां भी आए ना, साइटोलॉजी समझते हो ना, क्लियर है ना, तो वैसे ही साइट तो आ रहा है, तो मिलेनोसाइट भी कुछ ना कुछ सेल होगा। और सुन लो, ये ऐसा सेल है ना जो एक पिगमेंट को स्टोर करता है, और उस पिगमेंट का नाम है मेलनिन। ध्यान से सुनना, थोड़ी सी बातें जरूरी है समझना, तभी आप इस पॉइंट को समझ पाओगे। देखो मिलेनोसाइट जो है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल है जो स्टोर करेगा क्या, तो स्टोर्स मेलनिन, मेलनिन पिगमेंट, क्लियर है ना। अब ये मेलनिन पिगमेंट है क्या, तो मेलनिन पिगमेंट बेसिकली कोई समझ लो सब्सटेंस है, कोई केमिकल सब्सटेंस है जो कि स्किन को ना एक कलर प्रोवाइड करेगा, समझ में। द कलर ऑफ स्किन इज बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेलनिन, मोर द कंसेंट्रेशन ऑफ मेलनिन डार्कर द कलर, लेस द कंसेंट्रेशन ऑफ मेलेनिन ब्राइटर द कलर। जो जितना गोरा है, जिसका स्किन जितना गोरा है, उसमें मेलेनिन का प्रेजेंस उतना ही कम है, और जो जितना ही ब्लैक या डार्क है उसमें मेलेनिन का प्रेजेंस उतना ही ज्यादा है, क्लियर हो रहा है बात, आराम समझ में। और ये मेलेनिन स्टोर कहाँ, मतलब स्टोर कहाँ होता है, तो मिलेनोसाइट सेल में। और ये कर क्या रहा है, ये मिलेनोसाइट को ये स्टिमुलेट कर रहा है, यानी कि एक तरह से ना देखो क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना, ये एक मिलेनोसाइट सेल है, इसको स्टिमुलेट करके इसका ग्रोथ करवा दिया, देखो इस सेल को बड़ा कर दिया, ग्रोथ करवा दिया ना। अब तुम बताओ इसमें मेलेनिन ज्यादा स्टोर होगा या इसमें, ऑब्वियसली इसमें स्टोर होगा, तो जब इसका ग्रोथ होगा तो मेलेनिन भी तो स्टोर होगा ना, और जब मेलेनिन स्टोर होगा तो वो इंसान क्या होगा, डार्कर हो जाएगा भाई, आराम समझ में, क्लियर है। वैसे देखो एक और पॉइंट है जिसकी वजह से इंसान डार्कर या ब्राइटर हो सकता है, वो क्या है तुम्हारा, तो एक टेम्परेचर का भी इशू होता है। टेम्परेचर मीन्स जैसे सनलाइट समझते हो ना, ऐसे समझो सनलाइट में जो लोग ज्यादा काम करते हैं वो क्या हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं भाई, क्लियर है ना। अगर नहीं समझ में आता है ना, तो ऐसे देखो हाथ को देखो, इधर का कलर देखो, और यहाँ ये बाजू का कलर देखो, यहाँ से कपड़े को हटा के, ठीक है ना, तो अंदर का जो कलर दिखेगा ना वो तुम्हें थोड़ा ब्राइटर दिखेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। लेकिन क्या भगवान ने ऐसा ही बनाया था क्या, इधर डार्क और इधर ब्राइट है ना, जब बनाया था वहां तो सेम था, बच्चे को देखो सेम होता है, ठीक है ना। लेकिन अब हम लोग का क्या है, यहाँ तक देखो बॉडी को ढके हुए रखते हैं, लेकिन यहाँ ओपन रखते हैं, नॉर्मली नॉर्मली बात कर रहा हूँ मैं, तो इधर क्या हो जाता है, डार्कर हो जाता है। तो वो एक टेम्परेचर सनलाइट का इशू है एक्चुअली, ठीक है ना, सनलाइट का, बेसिकली टेम्परेचर भी नहीं बोलो, सनलाइट का इशू है। अब देखो सनलाइट की वजह से फिर कैसे होगा भाई, सनलाइट में कौन सा हार्मोन फिर निकलेगा, तो यहाँ हार्मोन वाला केस नहीं होगा, यहाँ क्या होगा समझ लेना, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है समझना। सनलाइट देखो ये केस था तुम्हारे एमएसएच का, एमएसएच ने इसे ग्रोथ करवा दिया, तो उसमें मेलेनिन भर गया क्योंकि स्टोरेज हाउस बड़ा हो गया है, अरे समझ में, जब कोल्ड स्टोरेज बढ़ गया है तो वहां ज्यादा सामान को रखा जा सकता है ना, तो वैसा ही है यहाँ पे। अब देखो
सनलाइट का इशू क्या है कि एक सेल है, अब इसमें देखो मेलनिन है ऐसे, ठीक है। अब जब टेम्परेचर बढ़ता है ना यानी सनलाइट की वजह से, तो यहाँ पे ना जो कंसंट्रेशन है ना मेलेनिन का वो बढ़ जाता है, यानी कि इतने से ही जगह में मेलेनिन देख लो अब कितना है, बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट भरा हुआ है, आ रहा समझ में, उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया है। यहाँ पे ग्रोथ हुआ था सेल का जिसकी वजह से मेलेनिन बढ़ा, यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे उसको उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया है, आ रहा समझ में, ठीक है ना। तो इस वजह से भी डार्कर होता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, मिलेनोसाइट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। चलो इसे मैं अब जल्दी से लिख देता हूं, तो सिंपल सा लिख लेना, इट कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मिलेनोसाइट्स विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरिंग ऑफ स्किन। क्लियर है ना, तो ये हमारे स्किन के कलरिंग से कलरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे हम ये मिडिल लोब हो गया ना, अब देखेंगे हम कौन सा, तो पोस्टीरियर लोब देखेंगे। एंटीरियर लोब हो गया हमारा, मिडिल लोब यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्योंकि एक ही तो पढ़ना था। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे मेलेनिन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, आपने लिख भी लिया होगा। अब इसके बाद क्या देखेंगे, तो पोस्टीरियर लोब देखेंगे, तो इसे भी इरेज करता हूँ मैं। अब यहीं पे मैं क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं मिडिल लोब को इरेज करके क्या लिख दूंगा, पोस्टीरियर लोब। अब हम कौन से लोब की बात कर रहे हैं, तो पोस्टेरियर लोब से निकलने वाले जो हॉर्मोन्स हैं उसे देखने जा रहे हैं। तो पोस्टेरियर लोब से जो निकलने वाला पहला हॉर्मोन है हमारा, वो है तुम्हारा एंटी डाई यूरेटिक हॉर्मोन। क्लियर है ना, वो क्या है, तो तुम्हारा एंटी डाई यूरेटिक हॉर्मोन, यानी उसको ADH भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम वैसोप्रेशीन भी है। और अगर आपने लाइफ प्रोसेस सही से पढ़ा होगा तो वहां पे आपको ऑलरेडी ADH आया होगा। क्लियर है ना, जहां पे मैंने बोला था कि मैं इसे जब कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे डिस्कस करूंगा। तो चलो देखते हैं, तो यहां से जो सबसे पहला हार्मोन निकलने वाला है वो क्या है, तो एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। क्लियर है ना, जिसे तुम ADH बोल दो, या इसी का दूसरा नाम जो होता है वो होता है वैसोप्रेशीन। क्लियर है ना, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलो या फिर वैसोप्रेशन बोलो, दोनों सेम ही है, करेगा क्या। तो याद करो, अब आपको लाइफ प्रोसेस आपने पढ़ रखा है तो आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा। आप याद करो, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में चले गए, एक्सक्रीशन में किडनी में चले जाओ, किडनी में नेफ्रॉन में चले जाओ, नेफ्रॉन में याद करो रीअब्जॉर्प्शन। याद आ रहा है, अगर नहीं याद आ रहा है ना तो ये आपका प्रॉब्लम है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है उसे। यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को आगे मत देखो, पहले जाके वो वीडियो देखो, या मैंने देखो आई सेक्शन में ऑलरेडी वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन डाल रखा है, ठीक है। आई बटन पे क्लिक करके आप पहले वो वीडियो देख लो कम्प्लीटली, ठीक है ना। चलो देखते हैं यहाँ पे, तो जैसे रीअब्जॉर्प्शन जब हो रहा था वाटर का, क्लियर है ना, तो ये देखो इसका नाम पहले तोड़ते हैं हम, इसको तोड़ते हैं, तोड़ के ही तो समझते हैं हम। देखो, एंटी मीन्स दुश्मन, डाई मीन्स डाइल्यूट, यूरेटिक मीन्स यूरिन, यूरिन को डाइल्यूट नहीं होने देना है, दैट मीन्स यूरिन को क्या करना है, कंसंट्रेटेड करना है, यानी ये जो ADH है ना, इट मेक्स द यूरिन कंसंट्रेटेड। अब देखो ये मैंने अपने हिंट के लिए यहाँ पे लिख लिया, ठीक है ना, मैं मान लो सब कुछ भूल गया हूँ इसमें, ADH क्या करता है कैसे करता है, तो इतना तो इससे लिख लिया ना कि डाइल्यूट नहीं होने देना है। देखो एंटी है मींस डाइल्यूट नहीं होने देना है, तो क्या होने देना है, तो कंसंट्रेटेड करना है, कंसंट्रेटेड दैट मींस यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ाना है यूरिन में या घटाना है, तो ऑब्वियसली बढ़ाना है सर, है ना, तभी तो कंसंट्रेटेड होगा, घटाएंगे तब तो फिर डाइल्यूट हो जाएगा ना। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये कंसंट्रेटेड होगा कैसे, देखो डाइल्यूट कैसे होता है, तो रीअब्जॉर्प्शन अगर कम होता है ना, क्लियर है, तो फिर डाइल्यूट हो जाएगा, लेकिन अगर रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा ना तो फिर क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, तो इट कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर।
समझ में, इन निफ्रॉन या जो निफ्रॉन के जो ट्यूब्यूल्स थे ना वहां पे ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, वापस से उसको बॉडी में भेज देगा, क्लियर है ना। तो यूरिन को कैसा बनाएगा ये, तो कंसंट्रेटेड बनाएगा। लेकिन अगर एडीएच की कमी हो गई बॉडी में, एडीएच की क्या हो गई, कमी हो गई, तो फिर क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेगा। अब जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेगा तो सारा वाटर तो किडनी में ही मतलब आगे बढ़ जाएगा ना, निफ्रॉन में ही आगे बढ़ता चला जाएगा, वो वापस तो बॉडी में जाएगा नहीं। और जब आगे बढ़ेगा तो फिर वो यूरेटर के थ्रू होके जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा, और यूरिनरी ब्लैडर को एक तरह से टंकी समझो, तो टंकी जल्दी जल्दी भरेगा ना। ये कहानी याद आ रहा है आपको, आपको मैंने ऑलरेडी सुना रखा है ये कहानी, है ना, कहानी नहीं बेसिकली इसके बारे में मैंने बता रखा है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, द पर्सन फील टू यूरिनेट फ्रिक्वेंटली, वो पर्सन बार बार टॉयलेट जाएगा यूरिनेशन करने, क्लियर है ना, शुशू करेगा बार बार। और इस वजह से इस बीमारी को क्या बोलते हैं हम, आप याद करो अगर याद हो तो, डायबिटीज इनसिपिडस, क्लियर है ना। तो इट कॉज द अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच कॉजेज डायबिटीज इनसिपिडस। एक मेलाइटस आएगा, मेलाइटस वाला पढ़ेंगे इंसुलिन में, क्लियर है ना। पैनक्रियाज दिया ना हेडिंग में, पैनक्रियाज में पढ़ेंगे मेलाइटस, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनसिपिडस हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, क्लियर है ना। लिखेंगे इसमें हम, इट कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन नेफ्रॉन एंड मेक्स the urine concentrated, also decrease its volume, urine का volume भी तो कमेगा ना, clear है ना। नहीं तो फिर अगर रीअब्जॉर्प्शन देख रहे हो नहीं होगा तो फिर यूरिन का वॉल्यूम जल्दी जल्दी भरता चला जाएगा, ठीक है ना। बस इतना ही था यहाँ पे, आगे लिख लोगे, लैक ऑफ क्या एडीएच ना, या डिफिशियंसी लिखो, लैक की जगह पे डिफिशियंसी वर्ड ज्यादा अच्छा है, नहीं डिफिशियंसी ऑफ एडीएच कॉजेज डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, एक कंडीशन है जिसमें जो पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है, वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूरिनेट करता है। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या लिख लोगे, द पेशेंट यूरिनेट फ्रिक्वेंटली। अब इतना फ्रिक्वेंटली यूरिनेट करेगा तो इससे बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी ना, और बॉडी में वाटर की कमी होगी तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई। बॉडी में वाटर का एक अमाउंट में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस को वो कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो, देयर बाई डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ वॉटर इन द बॉडी, क्योंकि वॉटर निकल कहाँ रहा है, यूरिन से बाहर निकल रहा है, जिसकी जरूरत भी नहीं है। क्या जरूरत है कि सारा पानी यूरिन से ही निकाल दो, कोई जरूरत है क्या, बॉडी को भी तो चाहिए ना, क्लियर है ना। आपने जितना पानी पिया के सुसु करने के लिए पिया, नहीं ना, जितना पीते हो उतना थोड़ी ना निकालते हो, और भी तो चीजें है, स्वेटिंग हो रहा है, मेटाबोलिक रिएक्शन में हेल्प कर रहा है, सेल के कंटेंट्स वहां पे है, वहां भी तो वाटर ही है बेसिकली, ब्लड में भी तो वाटर ही है बेसिकली 80-90%, समझ रहे हो ना। तो वाटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बॉडी में, डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस को एक मीडियम प्रोवाइड करता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो ये पहला हार्मोन था हमारा जो कि पोस्टेरियर लोब से निकल रहा था। एक और हार्मोन है यहीं पे, तो इसे मैं इरेज करता हूँ फिर वो बताता हूँ। तो यहाँ पे जो दूसरा हार्मोन है या लास्ट हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन।
क्लियर है ना, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये सिंपली ऑक्सीटोसिन है। ये देखो ये बेसिकली फीमेल में काम करेगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा, तो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ समझते हो ना, जब बच्चे का डिलीवरी होता है, क्लियर है ना, मदर से वो बाहर दुनिया में आता है, तो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है ना, यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, यूट्राइन वॉल में कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, जिसकी वजह से बेबी को पुश किया जाता है आगे की ओर, ठीक है ना। लेकिन यहीं पे समझना, सिर्फ ऑक्सीटोसिन ही मतलब एनफ नहीं है डिलीवरी के लिए, यहाँ पे कुछ और भी हॉर्मोन्स होते हैं। जैसे एक हॉर्मोन होता है रिलैक्सिन, तो वो क्या करता है ना कि पेल्विक मसल्स जो होते हैं ना, पेल्विक बोन्स के आसपास वाले मसल, उसको रिलैक्स करता है, एज द नेम रिलैक्सिन, तो रिलैक्स करता है ताकि बहुत ही स्मूथली बच्चा बाहर आ जाए, क्लियर है ना। तो बेसिकली यहाँ पे समझना ऑक्सीटोसिन ही कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। तो और साथ ही साथ एक चीज और याद रखना, एक तो ये हो गया, और दूसरा डिलीवरी के बाद देखते हो फिर मदर अपने बच्चे को फीड करती है भाई मिल्क, जो पहला मिल्क होता है मदर का वो इम्पोर्टेंट भी होता है, आपने सुना भी होगा बहुत सारे ऐड आते हैं उसके लिए, क्योंकि उस मिल्क में ना, उस मिल्क को जो पहला मिल्क होता है ना मदर का, उसे एक नाम देते हैं हम, उसे बोलते हैं हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो कोलेस्ट्रम में ना एक्चुअली सर्टेन टाइप ऑफ एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, जो कि बच्चे को बहुत सारे बीमारियों से बचाने के लिए जरूरी होता है, आ रहा समझ में। तो इसीलिए बोला जाता है कि पहला मिल्क जो होता है ना मदर का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, वो उसके बॉडी में ना एक तरह से इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, या यूं कहो कि डिजीज से फाइट करता है, सिंपल सा अगर समझ में आ रहा हो तो। तो सिंपल सा लिखना है इसमें, इट कॉजेस यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग ड्यूरिंग क्या बोल दोगे, चाइल्ड बर्थ, क्लियर है ना, या पार्चुरेशन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ड्यूरिंग पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी समझ लो आप, उस समय क्या करेगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है ना। आगे लिखना है इसी में लिख लेना, इट ऑल्सो causes release of milk from mammary gland। देखो ऑक्सीटोसिन, यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, जैसे देख लो ये मान लो मेमरी ग्लैंड है ना, इसमें देखो मिल्क का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये मिल्क का फॉर्मेशन हुआ है तो ये फॉर्मेशन में हेल्प किया किसी दूसरे हार्मोन ने, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन आपको एंटीरियर लोब में, अच्छा एक मिनट नहीं पढ़ा है ना, सॉरी ये ना एक्चुअली मिस्टेक हो गया, कोई नहीं अभी बता देते हैं, ठीक है ना। तो प्रोलैक्टिन एंटीरियर लोब से निकलता है, मैं अभी बता रहा हूँ, एंटीरियर लोब से निकलता है, ठीक है। और यहीं पर समझना, ये जो ऑक्सीटोसिन है ये पोस्टेरियर लोब से निकल रहा है, पोस्टेरियर लोब से जो ऑक्सीटोसिन निकल रहा है, तो ये जो मिल्क जो इसमें बना ना प्रोलैक्टिन के हेल्प से, इसको रिलीज करने में हेल्प किया, यानी यहाँ से निकलने में हेल्प किया, आ रहा समझ में। सो दिस इज कॉल्ड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, दिस इज आल्सो नोन एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन या फिर डिलीवरी हार्मोन, आ रहा समझ में। तो इसको भी लिख लोगे यहाँ पे, लिख लेना, इट इज आल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, क्लियर हो रहा है ना। अब देखो एक यहाँ पे एंटीरियर लोब का यहाँ पे रह गया था, ठीक है ना, इसे मैं साइड से बता देता हूँ आपको, यहाँ पे आप सारा इरेज करोगे पहले, और मैं ये प्रोलैक्टिन बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक और इसे आप एंटीरियर लोब में लिख लोगे, ठीक है ना, वहां पे बाई मिस्टेक ये छूट गया था। तो एक क्या रह गया था हमारा, एंटेरियर लोब का सिक्स्थ हार्मोन हो जाएगा ना ये, एंटेरियर लोब से जो हार्मोन निकल रहा है वो तुम्हारा क्या है, सिक्स्थ हार्मोन है, जिसको क्या बोल रहे हैं, प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो देखो प्रोलैक्टिन का एक और भी नाम होता है, इसे बोलते हैं ल्यूटो ट्रॉफिक हार्मोन या LTH, क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से, इसमें बस एक पॉइंट लिखना है हमें, वो क्या लिखना है कि इट स्टिमुलेट्स
ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ हो जाता है, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी देखो क्या करना है, जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होगी तो फिर बच्चे को फीड करना पड़ेगा मिल्क से ही, क्लियर है ना। तो वहां पे मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ होना जरूरी है, तो वो कौन कर रहा है, तो प्रोलैक्टिन। और साथ ही साथ ना फिर डिलीवरी के बाद ये लैक्टेशन भी करवाता है। लैक्टेशन मीन्स एक तरह समझ लो रिलीज ऑफ मिल्क, क्लियर है ना, जैसे जो ऑक्सीटोसिन उसके रिलीजिंग में हेल्प कर रहा था, ठीक है ना। और फिर ये आगे और भी मतलब उससे बनता रहे निकलता रहे मिल्क, इसमें हेल्प करेगा। तो सिंपल से बस यही रहने दो, इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसीलिए पता है इसे क्या बोलते हैं, तो इसी में लिख लेना, इट इज ऑल्सो नोन एज मेटर्निटी हॉर्मोन। देखो मेटर्निटी वर्ड रिलेटेड है मदर से, मेटर्निटी हॉस्पिटल समझते हो ना, तो वैसे ही मेटर्निटी हॉर्मोन, क्लियर है, जो कि उसका एक तरह से पालन पोषण करे, तो यही तो करने में हेल्प करेगा ना, कर तो रही है बेसिकली मदर, लेकिन हेल्प कौन कर रहा है हॉर्मोन, तो प्रोलैक्टिन। तो ये प्रोलैक्टिन एंटीरियर लोब से निकलने वाला तुम्हारा सिक्स्थ हॉर्मोन था, नहीं एंटीरियर लोब, सही से लिख देता हूँ, एंटीरियर लोब से निकलने वाला सिक्स हॉर्मोन था। तो यहाँ पे ना हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जितने भी हॉर्मोन्स थे, क्लियर है ना, 6, 2, 8 और 1, 9, टोटल 9 हमने देखा, नहीं टोटल 9 हॉर्मोन यहाँ पे हमने देख लिया, उसका फंक्शन भी देख लिया, कुछ कुछ का फंक्शन नहीं भी देखा, बेसिकली फंक्शन तो देखा है लेकिन वो अब आगे जाके करेगा वो पर्टिकुलर ग्लैंड, तो उस पर्टिकुलर ग्लैंड के पास पहुंचेंगे ना तो उसे आगे देख लेंगे हम, ठीक है। लेकिन यहाँ तक आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैंने इसे सेपरेट बनाया, पिछले वाले वीडियो में ऐड नहीं किया था इसे, ठीक है ना, ताकि ये एक सेपरेट ही हो और इसमें हम पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स को डिस्कस कर सके, ठीक है ना। चलो फिर तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और इसे जल्दी से नोट कर लोगे, इसे एंटीरियर लोब में नोट करोगे, ठीक है ना, ये पोस्टेरियर लोब नहीं है, एंटीरियर लोब का 6th नंबर है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई नहीं होता है, चलता है, ठीक है।